तो हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ भुट्टे की सिंपल रेसिपी। और बारिश के दिनों में ये खूब होता है भाई, ज़रूर खाना चाहिए। तो देखो, मैंने इनको उबालने के लिए रख देना है और इसमें 4 सीटी लगवाऊंगी। इसको अच्छे से धुल के साफ़ करके और इसमें पानी डाल के हम इसको उबालने रख देंगे। इसमें इतना पानी डालें कि ये डूब जाए और इसमें नमक डालेंगे ताकि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए। उबलने के साथ साथ इसमें नमक मिक्स हो जाए और इसको गैस पे ढक्कन बंद करके रख दिया जाएगा, जैसे कि रखा जाता है। और अब इसमें 4 सीटी हम लगवाएंगे। थोड़ी देर गैस को फुल पे रखेंगे, फिर इसको थोड़ा कम कर देंगे 4 सीटी आने के बाद, जब इसकी गैस निकल जाए उसके बाद हम इसको खोलेंगे। ये देखिए कितने डिलीशियस, ओह माय गॉड, एकदम मस्त हो गए हैं। अब इनको निकालेंगे। अब इनको बाउल में निकाल लिया है और ये अच्छे से पक गए हैं, ये देखना ज़रूरी है। अगर नहीं पके हो तो 1-2 सीटी और लगा सकते हैं इसमें। इनको बाउल में निकाल के अब इनको थोड़ा नींबू चाट मसाले के साथ लगाएंगे। और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना देखने में। ये देखो, मैंने चाट मसाला ले लिया, काला नमक ले लिया और साथ में नींबू लेना है। और नींबू के साथ ये मिक्स करके इनके ऊपर अच्छे से लगा लेना है। ये देखो ऐसे, थोड़ा नमक दोबारा भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बार लगाना है। खूब अच्छे से इनमें भर लो, इतना अच्छा टेस्ट बन जाता है ना इनका, खाने में एकदम मज़ा आ जाता है। मार्केट वाली खाना ही भूल जाएंगे अगर घर में बनाना सीख लिया तो। बहुत टेस्टी बनते हैं और बारिश के दिनों में भाई इनसे ही पेट भर जाता है। तो खाया करो भाई सारी चीज़ें, हेल्दी, सिंपल खाना, हेल्दी रहना। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना। हम लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। लाइक करना।